नमस्कार दोस्तों, मैं हर्ष आपको बहुत बहुत स्वागत करता हूँ हर्ष वीडियो यूट्यूब चैनल के एक और फ्रेश और इंटरेस्टिंग वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ हुआवे की तरफ से आने वाला एक और नया कमाल का डिवाइस हुआवे P20 लाइट के बारे में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में आपसे बात करूंगा हुआवे P20 लाइट के स्पेसिफिकेशन के बारे में। इस वीडियो के अंत में जानेंगे हुआवे P20 लाइट कैसा है, अच्छा स्मार्टफोन है कि नहीं है, बेसिकली मेरी ओपिनियन के बारे में। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इस वीडियो को। टेक्नोलॉजी की दुनिया से अपडेट रहने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं और हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक करें। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि हुआवे ने अपने नए डिवाइस हुआवे P20 लाइट को कल ही लॉन्च किया है। तो बेसिकली दोस्तों ये स्मार्टफोन अभी इंडिया के अंतर्गत नहीं लॉन्च किया गया है। तो बात करते हैं इस स्मार्टफोन के स्पेसिफिकेशन के बारे में। तो शुरुआत करेंगे हम जनरल स्पेसिफिकेशन से, जैसा कि हम लोग अपने हर वीडियो में करते हैं। तो बेसिकली सबसे पहले मैं आपको इस स्मार्टफोन का इमेज दिखाना चाहूंगा। तो देख लीजिए, यही इस स्मार्टफोन का इमेज सामने की ओर आपको देखने को मिल जाएगा, एक नॉच वाला स्क्रीन जैसा कि आपको आईफोन एक्स में देखने को मिलता है। दोस्तों बात करें इस स्मार्टफोन के ब्रांड के बारे में, तो यहाँ पर आपको ब्रांड देखने को मिलता है हुआवे। मॉडल P20 Lite, दोस्तों ये जो स्मार्टफोन है Android 8.2 Oreo पे वर्क करता है और साथ ही साथ यहाँ पे आपको कस्टम UI भी देखने को मिल जाती है जो हुआवे की खुद की बनाई हुई है। EMUI 8.2 आपको देखने को मिलती है। दोस्तों बात करें यहाँ पे नेटवर्क एंड कनेक्टिविटी के बारे में, तो डुअल सिम स्मार्टफोन है, दोनों नैनो इंडियन बैंड 4G को सपोर्ट कर लेता है। दोस्तों इस स्मार्टफोन में डिजाइन के बारे में बात करें, तो इस स्मार्टफोन में आपको अच्छा खासा डिजाइन देखने को मिल जाता है, क्योंकि यहाँ पे आपको देखने को मिलता है 148.6 mm की हाइट, साथ ही साथ 71.2 mm के विड्थ, 7.4 mm का थिकनेस, 147 ग्राम का वेट, यानी कि डिजाइन इस स्मार्टफोन का बहुत ही कमाल का है। दोस्तों बात करें यहाँ पे डिस्प्ले की, तो डिस्प्ले आपको देखने को मिल जाता है 5.84 इंच का फुल HD प्लस 19:9 एस्पेक्ट रेशियो वाला डिस्प्ले। दोस्तों यहाँ पे आपको पिक्सल डेंसिटी देखने को मिल जाती है 432 PPI, यानी पिक्सल पर इंच। यहाँ पे आपको देखने को मिलता है IPS LCD पैनल, यानी कि डिजाइन भी आपको अच्छा खासा देखने को मिलता है और साथ ही साथ आपको डिस्प्ले नॉच वाला डिस्प्ले देखने को मिलता है। दोस्तों बात करें यहाँ पे प्रोसेसर की, तो प्रोसेसर देखने को मिलता है हाई सिलिकॉन क्रिन 659, जो इन्हीं का बनाया हुआ है। वो एक ऑक्टा कोर प्रोसेसर है जिसके 4 कोर बेस्ड 2.36 GHz पर और 4 कोर बेस्ड 1.7 GHz पे। दोस्तों यहाँ पे आपको आर्किटेक्चर देखने को मिल जाती है 64 bit की। GPU की बात करें तो वो आपको देखने को मिलता है मालिका T830MP2 GPU। दोस्तों यहाँ पे बात करें इस स्मार्टफोन के वेरिएंट के बारे में, तो स्मार्टफोन आपको देखने को मिल जाता है 4 GB रैम, 64 GB इनबिल्ट स्टोरेज। दोस्तों यहाँ पे बात करें इस स्मार्टफोन के बैटरी के बारे में, तो वो आपको देखने को मिल जाता है 3000 mAh की बैटरी। तो बेसिकली दोस्तों बैटरी का जो पावर है वो बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन आपको एक अच्छा खासा एवरेज बैटरी लाइफ देखने को मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको देखने को मिलता है प्रोसेसर हाई सिलिकॉन क्रिन 659 जो 16 nm की टेक्नोलॉजी पे बना हुआ है। वो एक पावर एफिशिएंट चिपसेट है, तो ऐसे में यहाँ पे आपको एक अच्छा खासा बैटरी बैकअप देखने को मिल जाएगा और साथ ही साथ यहाँ पे आपको क्विक चार्जिंग का भी सपोर्ट देखने को मिल जाता है। तो मिला जुला के ठीक ठाक से आपको बैटरी बैकअप देखने को मिल जाएगा। दोस्तों बात करें यहाँ पे कैमरे के बारे में, तो यहाँ पे आपको कैमरा देखने को मिलता है डुअल रियर कैमरा। यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है 16 MP का डुअल रियर कैमरा प्लस 2 MP का, मतलब कि यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है प्राइमरी सेंसर है रियर में वो है 16 MP का, जो सेकेंडरी सेंसर है वो है 2 MP का, जिसके माध्यम से बहुत ही कमाल के फोटो ले पाएंगे। लेकिन दोस्तों यहाँ पे जो सेकेंडरी कैमरा है 2 MP का, बहुत डेप्थ सेंसिंग करता है, जिसके माध्यम से आप मिला जुला के ठीक ठाक सा बोके इफेक्ट वाला फोटो ले पाएंगे, लेकिन बहुत कमाल का नहीं, क्योंकि जो सेकेंडरी कैमरा है वो छोटा सा है, मात्र 2 MP का। फ्रंट में आपको देखने को मिलता है 16 MP का कैमरा, जिसके माध्यम से आप मिला जुला के बहुत ही कमाल की सेल्फी ले पाएंगे। दोस्तों बात करें यहाँ पे कुछ और जनरल स्पेसिफिकेशन, जैसे कि वाईफाई, हॉटस्पॉट, ब्लूटूथ, तो ये सब यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। NFC का भी सपोर्ट देखने को मिल जाता है और साथ ही साथ यहाँ पे आपको देखने को मिलता है USB Type-C का कनेक्टिविटी। दोस्तों यहाँ पे बात करें कुछ और स्पेसिफिकेशन, यहाँ पे सेंसर वगैरह के बारे में बात करें, तो यहाँ पे आपको मिला जुला के सभी प्रकार के सेंसर देखने को मिल जाते हैं, चाहे वो फिंगरप्रिंट सेंसर हो, प्रॉक्सिमिटी सेंसर हो, एम्बिट लाइट सेंसर हो, जायरोस्कोप, कंपास, सभी प्रकार के आपको सेंसर देखने को मिल जाते हैं। अंत में बात करें इस स्मार्टफोन के प्राइस के बारे में, तो वो है 29,999, यानी कि लगभग 30,000। दोस्तों इस प्राइस रेंज के हिसाब से मेरी ओपिनियन में ये डिवाइस ठीक नहीं है। जब तो मैं अपने ओपिनियन की बात करूं, तो इस प्राइस रेंज में डिवाइस ठीक नहीं है, यानी डिवाइस का स्पेसिफिकेशन मिला जुला के ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं ये डिवाइस जो एक ओवर प्राइस्ड डिवाइस है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे जो आपको प्रोसेसर देखने को मिलता है वो हाई सिलिकॉन क्रिन 659। अगर आप इंडिया के अंतर्गत चले आइएगा तो हुआवे का जो सब ब्रांड है ऑनर, उसके बहुत सारे कमाल कमाल के मिड रेंज डिवाइस है, जहां पर आपको देखने को मिलता है हाई सिलिकॉन क्रिन 659, जिसके प्राइस अप्रॉक्स करीब करीब 14,000 या फिर 15,000 रुपया है, और इस डिवाइस का प्राइस 30,000 रुपया। एज एग्जाम्पल मैं आपसे बात करूं, तो ऑनर
7X में भी आपको देखने को मिलता है हाई सिलिकन ग्रेन 659 और वो मात्र 14,000 या फिर 13,000 रुपए में उपलब्ध हो जाता है। तो ऐसे में दोस्तों मेरे ख्याल से ये एक ओवर प्राइस्ड स्मार्टफोन है। पहली बात तो ये डिवाइस इंडिया के अंतर्गत नहीं आएगा, अगर आएगा भी तो इस प्राइस रेंज में इंडिया के अंतर्गत कभी नहीं आएगा। अगर इस प्राइस रेंज में स्मार्टफोन आ गया तो स्मार्टफोन नहीं चलेगा। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा कि इस स्मार्टफोन में क्या क्या आपको देखने को मिलेगा। तो बेसिकली दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए प्लीज सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। इस वीडियो में इतना है दोस्तों, मिलता है आपसे नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।